सुपर विकास विद्यालय उमरी सहित एसडीओपी कार्यालय मनगवा, एसडीएम कार्यालय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, नगर परिषद मनगवा में आजादी का 75वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दैनिक भास्कर के पत्रकार एवं संपादक बुलेट रिपोर्टर विजय गुप्ता विशेष रूप से मौजूद रहे। सुपर विकास उच्चतर विद्यालय उमरी में भी गणतंत्र दिवस का 75वां वर्षगांठ पूरे धूमधाम के साथ मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दैनिक भास्कर के जर्नलिस्ट एवं संपादक बुलेट रिपोर्टर विजय गुप्ता विशेष रूप से मौजूद रहे। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में विद्यालय के डायरेक्टर डॉक्टर उग्रसेन पटेल, एडवोकेट एसपी तोमर, प्रभात गुप्ता, लवलेश कुमार, सीनियर सिटीजन त्रिभुवन प्रसाद तिवारी मौजूद रहे। इस बीच कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दैनिक भास्कर के पत्रकार एवं संपादक बुलेट रिपोर्टर विजय गुप्ता ने अपने संबोधन में कहा कि आज ही के दिन देश में संविधान लागू हुआ था। इस संविधान की संरचना में 308 लोगों की मौजूदगी में प्रस्ताव पारित किया गया था। संविधान पास करने वाली टीम में सभी समाज वर्ग समुदाय के लोग थे। देश के संविधान को लागू किए जाने के लिए एक साथ हस्ताक्षर किया गया था। भीमराव अंबेडकर की अगुवाई में संविधान को लागू किया गया था। इस संविधान को बचाए रखने के लिए सभी को पूरी ताकत के साथ निरंतर एकजुट होकर प्रयासरत रहना चाहिए। हम लोगों के लिए संविधान सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, जिसका पालन सभी को करना चाहिए। जैसा कि आप लोग को मालूम होना चाहिए कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस मनाए जाने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी गई थी। पहले इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त मनाया जाता है, देश की स्वतंत्रता होने पर। इसके बाद गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। 1950 में पहली बार इस देश के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बने थे, जिन्होंने 1950 में पहला ध्वजारोहण 26 जनवरी 1950 में 56 में किया था। इसके बाद से लगातार यह रिपब्लिक डे मनाया जाता है। आज के दिन ही संविधान में संविधान को अमला पैजामा पहनाया गया था। 308 लोगों की बेंच में सभी सदस्यों ने मिलकर हस्ताक्षर करके इस संविधान को मजबूत बनाकर प्रस्ताव पारित कर पास किया था। इसके बाद गणतंत्र दिवस मनाया गया है। आप सभी को मालूम होना चाहिए कि इस गणतंत्र दिवस स्वतंत्र कानून मनाए जाने के लिए हर जाति और समुदाय वर्ग के लोग शामिल थे, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज देखा जा रहा है कि आज जाति और समुदाय को बांटने की स्थिति बनती जा रही है। तथाकथित राजनीतिक दलों को देखें तो यह कि यहाँ पर एक ऐसी टुकड़ी संगठन को देखें कि उनके द्वारा भी कुछ ऐसे काम करने का प्रोत्साहन पैदा किया जा रहा है जो जाति और धर्म समुदाय के लिए अलग करने का भी प्रयास किया जा रहा है। यह दुखद घटना है, ऐसी घटनाएं ना होना चाहिए। जाति और समाज अलग हो, हम भी यही चाहते हैं। हमारा भी प्रयास एक है, हम इस देश के नागरिक हैं, कि जात और समुदाय पर भेदभाव न रखा जाए, सब जोड़ कर रहे, उसे तोड़े ना। इस दौरान विद्यालय में छात्र छात्राओं के द्वारा सांस्कृतिक रंगमंची कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। लिख देंगे हम।
राजस्व अनुभाग एसडीओपी कार्यालय मनगवा में भी गणतंत्र दिवस समारोह मनाया गया। इस अवसर पर पुलिस राजस्व अनुभाग के एसडीओपी डॉक्टर के एस द्विवेदी ने झंडा फहराते हुए गणतंत्र दिवस के महत्व पर प्रकाश डाला। मनगवा थाना में भी थाना प्रभारी अनूप कुमार उइके ने ध्वजारोहण किया। इस दौरान पुलिस बल के द्वारा परेड एवं फ्लैग मार्च भी प्रस्तुत किया गया। राजस्व विभाग एसडीएम कार्यालय तहसील एसडीएम कार्यालय में भी 75वां गणतंत्र दिवस उत्सव के साथ मनाया गया। इस बीच राजस्व विभाग के एसडीएम पीएस त्रिपाठी ने ध्वजारोहण किया। इस दौरान तहसीलदार नीलेश कुमार सिंह एवं नायब तहसीलदार मनोज कुमार सिंह सहित तहसील कार्यालय के कर्मचारी एवं आमजन मौजूद रहे। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गंगेयू में भी गणतंत्र दिवस मनाया गया। इस बीच संस्था के ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर देवव्रत पांडे ने झंडा फहराया। गणतंत्र दिवस के अवसर पर अस्पताल में मरीजों को फल और दूध का भी वितरण किया गया। गणतंत्र दिवस समारोह कार्यक्रम में स्थानीय गणमान्य नागरिकों के साथ अस्पताल के सभी डॉक्टर एवं कर्मचारियों की विशेष मौजूदगी रही। बुलेट रिपोर्टर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट रीवा। नए वीडियोस एवं ताज़ी खबरें मिलती रहें इसके लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।